अस्सलाम वालेकुम। किताबनामा में आज हमारे साथ रवीश कुमार की द फ्री वॉइस है। इस बुक में टोटल 11 ऐसे हैं जो कि हमें हमारे आज के मौजूदा समाज के बारे में वार्न करती है, हमें बताती है कि कैसे हमारी डेमोक्रेसी फियर क्रेसी की तरफ जा रही है। इससे पहले मैंने जिन तीन किताबों का अपने चैनल पर रिव्यू किया है, जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म 1984 और जेसन स्टैनले की हाउ फासिज्म वर्क्स द पॉलिटिक्स ऑफ अस एंड देम, ये किताब बेसिकली इन तीन किताबों की मेजर थीम्स का कलेक्शन है। इसमें रवीश ने ये बताया है कि कैसे डर और वायलेंस के प्रोजेक्ट को आम जनता में बिठाया जा रहा है और इसमें मीडिया का कितना मेन रोल है। मोस्टली मेनस्ट्रीम मीडिया गवर्नमेंट का माउथपीस बन चुकी है, वो उसके प्रोपेगेंडा को फैलाने में उसकी मदद कर रही है, वो सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन दे करके फॉल्स रियलिटीज़ क्रिएट करके फेक डिबेट फेक न्यूज़ के जरिए सिटीजन्स को एक अल्टरनेटिव सिटीजनरी की कैटेगरी में डालने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ वही देखते हैं जिसके लिए उनको प्रोग्राम किया गया हो। उसके अलावा वो ना कुछ सोचते हैं, ना कुछ देखते हैं, ना कुछ जांचते हैं। रवीश ने इसमें इन लोगों को रोबो पब्लिक कहा है। लोगों को अस और देम में डिफाइन करके डिवाइड किया जा रहा है। वो बता रहे हैं कि जो देम वाले हैं वो देश के लिए ख़तरा हैं, इसमें माइनॉरिटी आती है, मगर ये माइनॉरिटी हरगिज़ धर्म जाति या किसी समुदाय के बेस पे नहीं है, बल्कि अगर आपको लगता है कि आप मेजॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो आप सरकार से सवाल करिए, आप भी माइनॉरिटी बन जाएंगे। इसमें अलग अलग भीड़ है जो आप पर हर कदम पर हावी होना चाहेगी, मगर रवीश कहते हैं कि आपको डरना नहीं है, आपको सरकार से सवाल करते रहना है और उन लोगों को इनकरेज करना है जो सवाल करते हैं, इससे हमारा लोकतंत्र जिंदा रहेगा। प्यार हमें इंसान बनाता है, मगर हर किसी के बस की बात नहीं कि वो प्यार करे, खासकर हमारे समाज में। यहाँ प्यार करना एक जंग है उन स्ट्रक्चर्स से जो समाज हमारे ऊपर थोपता है, कभी जाति, कभी धर्म, कभी भाषा, कभी समुदाय, तो कभी कुछ। हमारे समाज में बहुत सारे मुस्लिम लीडर हैं जिनकी वाइफ हिंदू है और बहुत सारे हिंदू लीडर हैं जिनकी वाइफ मुस्लिम है, और इनमें बहुत सारी लव मैरिजेस भी हैं, मगर चाह के भी पब्लिकली ये अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते, ना ही पब्लिकली अपने प्यार को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनको डर है कि इनका वोटर नाराज़ हो जाएगा। इस बुक में ऐसे और भी हिस्से हैं जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए बेहतर है कि आप उन्हें खुद ही पढ़ें। जैसे वेयर एवर अ मॉब गैदर्स इज हिटलर जर्मनी, टुडे फ्रीडम फ्रॉम फियर इज फ्रीडम फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मीडिया, रीडिंग 1984 इन 2019। इस किताब का लिखा जाना इसलिए ज़रूरी था कि सब कुछ डॉक्यूमेंट हो जाए और जब ये अंधकार छटेगा लोग होश में आएंगे, सोचना शुरू करेंगे और पूछना शुरू करेंगे कि कहाँ गलती हुई, क्या था जो रोका नहीं गया। तब हमें ये याद रहे कि वो कौन लोग थे जो हमारे लोकतंत्र को ढाने के लिए तरह तरह के योगदान देते रहे और सरकार की गोदी में जाके बैठ गए। इसके अलावा वो कौन लोग थे जो हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए हर तरह के सेक्रीफाइसेस देते रहे। इस बुक में रवीश सारे सिटीजन्स को ये याद दिलाना चाहते हैं कि असली शक्ति, असली पावर सिटीजन्स के पास होती, ना कि सरकार के पास। सरकार का काम है कि सिटीजन जो सवाल कर रहा है उसके सवालों का जवाब दे, और डेमोक्रेसी में हर सिटीजन की ड्यूटी भी होती है।